हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। तो बायोलॉजी का 24 चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था, ठीक है, जिसमें कल हमने इसका बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और कुछ बेसिक बात की थी लाइक कि एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्फ एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे, ठीक है। तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो हमने बात की थी कि ये आरबीसी की सरफेस पे अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, ए। अगर आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी। अगर आरबीसी की सरफेस पे दोनों ही प्रेजेंट है, ए एज वेल एज बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। और अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ, ठीक है। अब देखते हैं, एंटीजन, ठीक है, एंटीबॉडी, एंड ब्लड ग्रुप। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं, अगर ए एंटीजन है, ठीक है, तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किस कंडीशन में होता है, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एक एंटीबॉडी फॉर्म करने की कैपेसिटी है, कौन सी एंटीबॉडी, क्योंकि ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी तो डेफिनेटली नहीं बनेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आई मीन एक दूसरे से बाइंड करते हैं, ठीक है। ए एंटीजन जो है वो ए एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, और अगर बाइंड कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। बात समझ में आई, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसके सेल्फ एंटीजन को छोड़ के बाकी के जो फॉरेन एंटीजन हैं, जब वो फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब जिसके अंदर एंटीजन ए है, मतलब इसके लिए फॉरेन एंटीजन कौन सा हुआ, बी। दो ही एंटीजन है बेसिकली, एक तो ए और दूसरा बी, तो जिसके अंदर ए एंटीजन है उसके अंदर कैपेसिटी है एंटीबॉडी बनाने की, कौन सी, बी। ये बात समझ में आई, ए बना सकता है क्या, ए, अगर ए बना ले, ए तो सेल्फ एंटीजन है, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती है, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है, जो फॉरेन एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप है बी उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, ए, क्योंकि इसके लिए फॉरेन एंटीजन कौन सा हुआ, ए, फॉरेन एंटीजन कौन सा हुआ, ए, तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, ए। बात समझ में आई, जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है, तो क्योंकि इसके लिए दोनों ही सेल्फ एंटीजन है, दोनों ही, ए भी सेल्फ एंटीजन है और बी भी सेल्फ एंटीजन है, तो चाहे ए आए चाहे बी आए कोई भी एंटीबॉडी बनेगी क्या, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, मतलब जिसकी आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा एंटीजन बनेगा, मतलब कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, ए भी और बी भी, क्योंकि इसके लिए तो दोनों ही फॉरेन एंटीजन है, तो इसके अंदर दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। चलो एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, बी, इसके अंदर ए, इसके अंदर कोई भी नहीं, इसके अंदर ए एज वेल एज बी, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, इसका ब्लड ग्रुप बी, इसका ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ये बात समझ में आ गई, ये चार्ट क्लियर है। अब देखो हमने जो ये बात की, ये कैसे होता है इसको समझ लेते हैं एक बार, कि ये एंटीजन एंटीबॉडी किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है।
ये एक ह्यूमन सेल है, ठीक है, किसी भी पर्सन की, चलो हम इसको एक ह्यूमन मान लेते हैं, ठीक है। इसकी जो, इसके अंदर जो RBC है उसकी सरफेस के अंदर ये वाला एंटीजन प्रेजेंट है। ये कौन सा एंटीजन था, कल हमने बात की थी ए एंटीजन, ठीक है, सपोज दिस इज ए एंटीजन, ओके। एक पर्सन है जिसकी RBC है, उसके ऊपर ये वाला एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब कि बी एंटीजन, ठीक है। अब देखो, अगर ये वाला ब्लड ग्रुप, मतलब ये वाला, इसका वाला ब्लड इसकी बॉडी के अंदर आए, तो इसके अंदर एक फॉरेन एंटीजन आ रहा है, एक फॉरेन एंटीजन आ रहा है। जैसे ही ये फॉरेन एंटीजन इसके अंदर आएगा, इसका जो इम्यून सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आई? जैसे ये इसके अंदर आएगा, ये एंटीबॉडी बनेगी और एंटीबॉडी बनके और इसके साथ जाके क्लंप हो जाएगी और वो क्या कर देगी, उस RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से जब भी कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर हम उसको बी वाले का ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, क्लंपिंग होगी और ब्लड डोनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है, बल्कि वो उसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। अगर जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको हम ए वाला चढ़ाएंगे तो भी यही सेम सिचुएशन होगी, ठीक है। लेकिन एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है AB, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप है ए और इसका ब्लड ग्रुप है AB। अब देखो, अगर ये इसको ब्लड देता है तो इसके अंदर एक फॉरेन एंटीजन आ रहा है ना, इसके अंदर एक फॉरेन एंटीजन आ रहा है, मतलब ये इसको ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन जब ये इसको ब्लड डोनेट करेगा तो क्या कोई फॉरेन एंटीजन जा रहा है इसके अंदर? इसके अंदर ऑलरेडी ए एंटीजन है, ए एंटीजन है तो ए इसके लिए फॉरेन नहीं हुआ, ठीक है। अगर कोई बी ब्लड ग्रुप है किसी का, अगर ये इसको डोनेट करता है, कर सकता है आराम से, क्योंकि कोई फॉरेन एंटीजन नहीं जा रहा है। ये बात समझ में आई? ये जो है जिसका ब्लड ग्रुप AB है, AB ना ही B को डोनेट कर सकता है, ना ही A को डोनेट कर सकता है, O को तो कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली AB ब्लड ग्रुप जो है वो, उसको अगर ब्लड डोनेट करना है तो वो किसको डोनेट करेगा? सिर्फ और सिर्फ AB ब्लड ग्रुप वाले को, ठीक है। लेकिन अगर उसको रिसीव करना है तो वो रिसीव कर सकता है ए ब्लड ग्रुप वाले से, बी ब्लड ग्रुप वाले से, AB ब्लड ग्रुप वाले से और O ब्लड ग्रुप वाले से। बात समझ में आई? तो इस वजह से AB ब्लड ग्रुप जो है उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जबकि O ब्लड ग्रुप जो होता है, O ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसीलिए वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि फॉरेन एंटीजन कोई जाएगा ही नहीं उसके साथ में, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा नहीं उसके जाने से। तो O जिसका ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? और O में भी कौन सा? O नेगेटिव, ठीक है, और AB पॉजिटिव जो है, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट है और O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ये बात क्लियर हो गई? अब देख लेते हैं एक बार डोनर एंड रिसिपिएंट का चार्ट देख लेते हैं, तो उससे जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, इधर भी हम सेम चीज लिख रहे हैं, A पॉजिटिव, A नेगेटिव,
नीचे तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक? अभी देखो, ए पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आरएच फैक्टर जिसके अंदर है वो पॉजिटिव है, आरएच फैक्टर जिसके अंदर नहीं है वो नेगेटिव है। जैसे इसमें होता है ऐसे ही सेम एज इसके अंदर भी होता है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, ठीक है? ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, कर सकता है। ए नेगेटिव को कर सकता है क्या? ए नेगेटिव को नहीं कर सकता, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर आरएच फैक्टर है, इसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है। इसके अंदर है तो वो एक एंटीजन की तरह से काम करेगा, फॉरेन एंटीजन की तरह से इसके अंदर जाएगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है? इसी वजह से ए पॉजिटिव जो है वो ए नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, बी पॉजिटिव को नहीं कर सकता, बी नेगेटिव को भी नहीं, ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, एंड यस ए बी नेगेटिव को नहीं। ये समझ में आ गया किसको डोनेट कर सकता है? सेम एज ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव को कर सकता है, ए नेगेटिव को भी कर सकता है, बट बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को नहीं कर सकता, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को कर सकता है और इन दोनों को नहीं। इसका ठीक है, ए बी पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ठीक है? ए बी नेगेटिव जो है वो ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव को कर सकता है। ओ पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स हैं उनको तो डोनेट कर सकता है, लेकिन नेगेटिव वालों को नहीं कर सकता, ठीक है? जबकि ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर कोई भी सीरियस कंडीशन होती है जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है और उसको इमीडिएटली ब्लड चढ़ाना है, कोई भी पेशेंट है, ठीक है, हमको उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप उसको चढ़ाया जाएगा? ओ नेगेटिव, ठीक है? ओ नेगेटिव चढ़ाने में कोई रिस्क नहीं होता है, बट ये रेयर ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है? एक तो ये एक ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव भी, ठीक है? ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव बहुत ही कॉमन है, ठीक है? ये समझ में आ गई बात? सो ब्लड ग्रुप चार्ट क्लियर हो गया, कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किससे रिसीव कर सकता है, क्लियर, राइट? नाउ फंक्शन ऑफ ब्लड, क्या क्या काम होता है ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? नंबर सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड O2, ओके? The third one,
प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ठीक है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ठीक है और वेस्ट सब्सटेंसेस को ऑल्सो नंबर फिफ्थ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया यूरिया ये सब ब्लड के थ्रू ही तो पूरी बॉडी से आते हैं और फिर किडनी में उनका फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड ओके तो ये सारे ब्लड के फंक्शंस हैं ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्कुलेशन मैकेनिज्म ओके तो ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है ह्यूमन हार्ट ठीक है ह्यूमन हार्ट जो होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता कहाँ से कहाँ है ठीक है एक तो है हार्ट ठीक है दूसरा है लंग्स और हार्ट से सर्कुलेट होता है बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं ठीक है मतलब पूरी कंप्लीट बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लड को सप्लाई करने का काम किसका है हार्ट का ही ठीक है तो सबसे पहले ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि O2 कंटेनिंग ब्लड जो है वो कहाँ आता है हार्ट में ठीक है थ्रू लंग्स O2 कंटेनिंग ब्लड जो है वो कंप्लीट बॉडी को ट्रांसपोर्ट होता है ये भी कैसा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है बॉडी से CO2 कंटेनिंग ब्लड जो है वो वापस कहाँ जाता है हार्ट में और हार्ट उसको ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स के पास में ठीक है ये जो है ये सर्कुलेशन चलता रहता है तो बेसिकली हार्ट जो है वो एक मिड में प्रेजेंट है ठीक है और प्योर ब्लड लंग्स से लेता है पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है फिर बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है वो वापस हार्ट में आता है और हार्ट से वो वापस लंग्स के अंदर जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन और प्योरिफिकेशन उसी को बोलते हैं ठीक है इसका हम डायग्राम देखते हैं ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है चलो हार्ट का एक बार डायग्राम देख लेते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट कल के डायग्राम में करेंगे मतलब कल के वीडियो में करेंगे इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट ठीक है इसका बेसिक समझते हैं पहले ये जो है दिस इज लेफ्ट साइड ओके दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड तो चार चैम्बर्स होते हैं एक होता है लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल जो प्योर ब्लड होता है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स से कहाँ आता है हार्ट में कौन से साइड में लेफ्ट वाले साइड में ठीक है मतलब लंग्स से ब्लड कहाँ आएगा लेफ्ट ऑरिकल उसको ट्रांसपोर्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो कंप्लीट
बॉडी को सर्कुलेट होगा इस तरीके से, ठीक है। यहां तक देन बॉडी की जो सेल्स हैं वहां से इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इस वाले चैम्बर में। दीज आर वेन्स, ओके, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ आती है, अपर चैम्बर में। अपर चैम्बर से ये कहाँ जाएगा, लोअर चैम्बर में, और लोअर चैम्बर से वापस से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, लंग्स को। बात समझ में आई, मतलब फोर चैम्बर है, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से होल बॉडी, बॉडी टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इन टू द राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जो वेन मतलब ब्लड वेसल है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। हार्ट से जो ब्लड वेसल ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं आर्टरी, और ऑर्गन से जो ब्लड वेसल ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं वेन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको हम इन डिटेल समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।